पद, दुनिया का सबसे ज्यादा, सबसे पुराना, सबसे बड़ी मान्यता का, और तब तक और जब तक जीवन रहेगा, जब तक मनुष्य या जीव रहेंगे, उनकी मान्यता का, उनके विज्ञान का, उनकी साइंस का, उनके सुखपूर्वक जीने का और पृथ्वी को सही रूप से बचाने का एक ग्रंथ या गंठ या साहित्य या संहिता या लिटरेचर या जानकारी का पुलिंदा या जानकारी का भंडार प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से, जिसे सब धम्म पद गीता के नाम से जानते हैं, भगवंतु वदेन धम्म पद गीता। धम्म पद दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस और अभ्यास करने वाली पुस्तक है। ये दुनिया की पहली ऐसी पुस्तक है जो सबसे पहले चीन में छपी और जो नेचुरल साइंस पे, प्रकृति के आधार पे बनी हुई है। यह पुस्तक मैन मेड नहीं है। यह पुस्तक जो बनी है वो धम्म पर आधारित है। धम्म की सभी अच्छी अच्छी बातें इसमें इकट्ठी की गई हैं, कलेक्ट की गई हैं, संग्रहित की गई हैं, समावेशित की गई हैं। अगर आपने धम्मपद अभी तक नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो आप इस सीरीज में, इस एपिसोड में धम्मपद की एक एक गाथा, यानी एक एक जो उसमें एसेंस है, सार है, जो बताया गया है, उसकी सरल भाषा के साथ और उसकी कहानी के साथ, किस कहानी के संदर्भ में वो बात कही गई है, वो वर्सेस कहे गए हैं, वो दोहे कहे गए हैं, या वो आयतें कही गई हैं, या वो पद कहे गए हैं, या वो गीत कहे गए हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। एक एक करके यहाँ आपको जानकारी होगी। पूरे के पूरे धम्म पद में एक अकेला शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो चमत्कार या गॉड से संबंधित हो। यहाँ चमत्कार का और गॉड का पूरे धम्म साहित्य में कोई भी जिक्र तक नहीं है। यहाँ सिर्फ मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य कैसे काम करता है, मनुष्य का सॉफ्टवेयर यानी कि मन, उसका कैसे काम करता है, कैसे उसका सॉफ्टवेयर यानी मन उसके हार्डवेयर को, यानी उसके शरीर को, उसके मस्तिष्क को, उसके ब्रेन को, उसके दिमाग को कैसे संचालित करता है, कैसे मैनेज करता है, कैसे कमांड करता है, किस प्रोसेस से वो सारा का सारा शरीर काम करता है जो आप 24 घंटे देखते हैं मगर कभी देख नहीं पाते। धम्मपद आपको देखना सिखाता है कि जीवन में दुख कैसे आता है, जीवन में कैसे दुख जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो 24 घंटे आपके साथ चलती हैं मगर कभी आप इसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, धम्मपद आपको देखना, सोचना और समझना सिखाता है। इस ऑडियो सीरीज में, इस वार्तालाप में, इस बातचीत में मैं सुधीर राज सिंह आपको एक एक धम्मपद के बारे में, जो पुरानी भारत की सबसे भाषा है, जिसको मगधी, कौसली, अशोकी या धम की भाषा या बुद्ध की भाषा या आज के समय अगर कहें तो पाली या पाली जो मिश्रित हो गई और जिसमें 5-7 शब्द मिलाकर जोड़कर जिसको हिंदी बोला जाता है, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको उस पाली भाषा के शब्दों को आपको बताऊंगा जो आपको सहज ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप आज तक भी पाली ही बोलते हैं, पाली ही पढ़ते हैं, पाली ही समझते हैं। धम्मपद इतनी ज़्यादा प्रमुख और इतनी ज़्यादा
प्रसिद्ध किताब है कि ये आपको दुनिया की सभी भाषाओं में सभी जगह आपको मिलेगी। हजारों भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया और बहुत सारे लोगों ने भगवंतु वदेन गीता या गीतो जो धम्मपद है इसको अलग अलग नाम से और कहीं कहीं अनाम के रूप से कहीं कहीं मिक्स कर कहीं कहीं इसमें ईश्वर या चमत्कार या गॉड डालकर इसको जोड़ तोड़ कर भी पेश किया गया है। अगर आप दुनिया की बहुत सारे ग्रंथों को देखेंगे तो पाएंगे धम्मपद उन सब में सबसे ऊपर और सबसे शुद्ध या शुद्ध रूप से बिल्कुल प्योर रूप से आपको मिलेगा, जो केवल और केवल मनुष्य के हित की बात करता है। इसमें कोई गॉड या ईश्वर या चमत्कार का एक भी शब्द या जिक्र या शब्द तक भी नहीं है। धम्मपद में बहुत सारे ऐसे शब्द या शब्द हैं जो आज लगभग अपना अर्थ या तो पूरी तरह से उल्टा कर चुके हैं या बदल चुके हैं या किसी और तरह से वो पेश आते हैं। धम्मपद के जितने भी पद हैं वो सभी आपको उन रहस्य को धीरे धीरे खोलते हैं और आप जानकर बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे वो शब्द उस समय से अपने अर्थ में आज के समय तक पूरी तरह से उल्टे हो गए या जानबूझकर किए गए। ऐसे हजारों शब्द पाली में आज तक आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके सही अर्थों को जानें। धम्मपद का एक एक पद बहुत सारे गूढ़ रहस्य, बहुत सारे गंभीर रहस्य लेकर बैठा हुआ है जो आपके इंतजार में है। तो देखते रहिए, सुनते रहिए ये धम्मपद ऑडियो सीरीज। अगर आपको विजुअल्स में देखना है तो आप टीम 22 यूट्यूब चैनल पर जाकर धम्मपद भगवंतु वदेन गीता खोज सकते हैं, जिसमें आपको सारे धम्मपद लिखित रूप से भी मिलेंगे, जो आपको पढ़ने में, रिसर्च करने में, किताब लिखने में या कोई स्टैंजा या कोई आलेख या कोई जर्नल लिखने में आपको सहायक होगा। धन्यवाद।